अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आगे क्या होने वाला है सीरीज में आज के अंक के साथ मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। आज देखिए कि कैसे अचानक से कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे पूरा विश्व स्तब्ध हो सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इस समय अचानक ही कोई बड़ी दुर्घटना घटेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब कुछ ऐसी ही आशंका रूस यूक्रेन युद्ध में भी दिखाई देने लगी है। रूस सही अवसर की प्रतीक्षा ही करता रह जाएगा और बाजी कोई और मार ले जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक छोटे से देश यूक्रेन को परास्त करने में अब रूस के पसीने छूट रहे हैं। 2 वर्ष का समय बहुत होता है और अगर इस समय में भी रूस यूक्रेन को पराजित नहीं कर सका तो समझ लीजिए कि उसके पास परमाणु बम फेंकने के अलावा कोई और विकल्प शेष नहीं बचता है। लेकिन रूस अभी सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि उस पर किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव ना बढ़े। लेकिन इस बीच जो समाचार मिल रहे हैं उससे एक बड़ी अनहोनी घटना होने की आशंका बलवती हो रही है। जिस तरह से यूक्रेनी सेना अब रूस के अंदर तक घुसती चली आ रही है वह रूस के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकती है। अब पता चला है कि यूक्रेनी सेना रूस के कुर्स्क क्षेत्र तक पहुंच गई है। ऐसे में अब संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी यानी IAEA ने एक बड़े परमाणु संकट को लेकर के एक चेतावनी जारी कर दी है। IAEA तभी अलर्ट होता है जब उसे किसी बड़ी परमाणु दुर्घटना होने की जानकारी मिलती है और इस बार जो इस संस्था ने चेतावनी जारी की है उसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रूस के परमाणु हमले से पहले ही रूस के परमाणु संयंत्र में यूक्रेनी सेना द्वारा कोई बड़ा कांड कर दिया जाए। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के 10,000 से अधिक सैनिक रूस के कुर्स्क क्षेत्र में दाखिल हुए थे जहां पर उन्होंने कब्जे का दावा किया है। इस क्षेत्र में घुसपैठ के बाद यूक्रेनी सेना रूस पर लगातार हमलावर हो गई है। इस बीच IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने रूस के कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र का दौरा करके यहां पर परमाणु दुर्घटना होने की एक आशंका व्यक्त की है। IAEA के अनुसार स्थिति अब गंभीर हो चुकी है। ग्रॉसी ने संवाददाताओं से बताया है कि यहां हाल में ही परमाणु दुर्घटना का एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कुर्स्क के आसपास के क्षेत्र में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, ऐसे में ये संकट कई गुना अधिक बढ़ गया है। वहीं रूस का आरोप है कि इस महीने रूसी क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा करने के बाद ये परमाणु संयंत्र पर यूक्रेनी बलों का निशाना बनता जा रहा है। यहाँ यूक्रेन की सेना ने बार बार हमला किया है जो युद्ध वाले क्षेत्र से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। यद्यपि रूस के इन आरोपों पर यूक्रेन ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है, जबकि स्थिति यह है कि ये परमाणु संयंत्र बेहद नाजुक स्थिति में है। क्योंकि इसमें कोई सुरक्षात्मक गुंबद नहीं है इसलिए सुरक्षा को लेकर स्थिति और भी गंभीर है। वहीं रूसी राज्य परमाणु कंपनी रोसनर गोएटम ने कहा है कि संयंत्र का नंबर 3 रिएक्टर नियोजित क्षमता पर काम कर रहा है जबकि इसका 4th रिएक्टर रविवार से निर्धारित रखरखाव से गुजर रहा है। उन्होंने एक नया रिएक्टर ब्लॉक भी दिखाया है जो कि निर्माणाधीन है, इसलिए IAEA एक गंभीर संकट खड़ा होने की चेतावनी भी दे रहा है। इस संस्था के अनुसार यहां हाल में ही परमाणु दुर्घटना का खतरा और बढ़ा है क्योंकि कुर्स्क के आसपास के क्षेत्र में रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई हो रही है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है इसके बारे में पहले से कोई चेतावनी नहीं दी जा सकती। ग्रॉसी ने मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस के कुर्स्क क्षेत्र में संयंत्र का दौरा किया था, लेकिन जो स्थिति उन्हें दिखी वह हैरान करने वाली थी। ग्रॉसी ने कहा कि उन्हें संयंत्र की सुविधाओं पर ड्रोन हमलों के प्रयास के बारे में पता चला था और उन्होंने अपने इसी दौरे में ड्रोन हमलों के निशान भी देखे हैं। इसी कारण से वो कह रहे हैं कि परमाणु संयंत्र के निकट सैन्य गतिविधि अंततः सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न कर रही है। उधर रूस ने पिछले शुक्रवार को यूक्रेन पर कुर्स्क परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर हमला करने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। ड्रोन के टुकड़े कथित तौर पर संयंत्र के व्ययित ईंधन परमाणु भंडारण सुविधा से लगभग 100 मीटर की दूर पर गिरे थे। ग्रॉसी ने कहा कि IAEA परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई तकनीकी कदम और उपाय प्रस्तावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने
पहले ही रूस के सरकारी परमाणु ऊर्जा समूह रोसाटॉम, रूसी सशस्त्र बलों, सुरक्षा बलों और रूसी विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार कर ली है। ग्रॉसी ने कहा है कि IAEA और रूसी प्रतिनिधि इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि एक बड़े जनसंहार से बचने के लिए और नए पलायन संयंत्र में विकिरण की घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। IAEA प्रमुख ने कहा है कि मुझे ड्रोन के प्रभाव के बारे में बताया गया है, मुझे उसके कुछ अवशेष और उनके संकेत भी दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। उन्होंने चेतावनी दी कि कुर्स्क संयंत्र में परमाणु रिएक्टर में अधिकांश परमाणु सुविधाओं के विपरीत सुरक्षात्मक गुंबद नहीं है, जिससे इसका कोर तोपखाने या फिर ड्रोन हमलों के प्रति बहुत ही अधिक संवेदनशील है। उन्होंने अपने दौरे के दौरान कहा है कि परमाणु सामग्री वाले रिएक्टर का कोर सिर्फ एक सामान्य छत से ही सुरक्षित है। अब रूस अपने इस परमाणु संयंत्र की रक्षा कैसे करेगा, इस पर तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी द्वारा उपाय किए ही जा रहे हैं, लेकिन अगर गलती से भी कोई यूक्रेनी ड्रोन इस संयंत्र पर गिर गया तो भारी मात्रा में रेडिएशन फैल जाएगा, जिसके कारण बड़ी मात्रा में लोगों के प्राण जा सकते हैं। लेकिन संकट अभी इतना ही नहीं है। अब यूक्रेन के लिए रूस अगर एक कुआं है तो अब बेलारूस उसके लिए दूसरी खाई बनता जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि संसार में समय बीतने के साथ साथ युद्ध के नए नए मोर्चे भी खुलने लगेंगे, और इसी बात को सच करते हुए बेलारूस अब यूक्रेन पर हमलावर होने की पूरी योजना बना चुका है। ये दावा स्वयं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ओर से किया गया है। उनका कहना है कि नए दुश्मन ने यूक्रेन की सीमा के पास लाखों की संख्या में सैनिकों को एकत्र कर लिया है। ये सैनिक भारी हथियारों और सैन्य साजो सामान के साथ सीमा पर उपस्थित हैं। यूक्रेन अभी इस हालत में नहीं है कि वह किसी दूसरे दुश्मन का सामना कर सके। यूक्रेनी सेना पहले ही रूस से जंग लड़ने में व्यस्त है, ऐसे में अगर दूसरा मोर्चा खुलता है तो सेना के पास अपने संसाधनों को बांटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। इससे रूसी हमले के प्रति यूक्रेनी प्रतिरोध कम पड़ेगा और रूस को आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए यूक्रेन ने बेलारूस से कहा है कि वह अपनी सीमा पर जो सेना उसने इकट्ठी की है उसे वापस बुला ले। यूक्रेन की ये अपील रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ के बाद आई है। यूक्रेन लंबे समय से आरोप लगा रहा है कि बेलारूस अपनी सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। उसका ये भी आरोप है कि रूस बेलारूसी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करके उसके देश में हमला कर रहा है। रूस बेलारूस को अपना सबसे करीबी सहयोगी मानता है। बेलारूस ने भी यूक्रेन के कुर्स्क क्षेत्र में आक्रमण का कड़ा उत्तर देने की धमकी दी है। माना जा रहा है कि ये नई सैन्य तैनाती यूक्रेन को एक नए मोर्चे पर उलझाने के लिए की गई है। रविवार देर रात यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बेलारूस से अपनी सीमा से अपने सैनिकों की तैनाती वापस लेने का आग्रह किया है। इसने खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए बेलारूस पर अभ्यास की आड़ में यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास गोमिल क्षेत्र में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हथियारों और सैन्य उपकरणों सहित बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन ने कहा है कि बेलारूसी सैनिकों के साथ साथ रूसी वैगनर समूह के भाड़े के सैनिकों ने सीमा के पास डेरा डाला हुआ है। दोनों देश 1084 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। यूक्रेन ने बेलारूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बेलारूस अपने सैनिकों और हथियारों की वापसी नहीं करता तो वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा गारंटीकृत आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने के लिए वो सभी आवश्यक उपाय करेगा। इसके परिणामस्वरूप बेलारूस में सभी सैन्य जमावड़े, सैन्य सुविधाएं और आपूर्ति मार्ग यूक्रेन के सशस्त्र बलों के लिए वैध लक्ष्य बन जाएंगे और वो उन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन ने यह भी बताया कि जिस क्षेत्र में बेलारूसी सैनिक एकत्र हुए हैं वह आपदाग्रस्त चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के काफ़ी निकट है, और कहा है कि वहाँ आयोजित कोई भी सैन्य अभ्यास यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। पिछले सप्ताह बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने घोषणा की है कि देश ने अपनी लगभग एक तिहाई सेना को यूक्रेन की सीमा पर भेज दिया है, लेकिन लुकाशेंको ने तनाव में तीव्र वृद्धि के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया है। उन्होंने यूक्रेन पर आक्रामक नीतियों और 18 अगस्त को बेलारूस के साथ अपनी सीमा पर 120,000 से अधिक सैनिक भेजने का भी आरोप लगाया है। अगले दिन बेलारूस ने घोषणा की कि उसने यूक्रेन की सीमा पर विमान, वायु रक्षा बल और शस्त्रागार भेजे हैं। बेलारूस ने यूक्रेन पर 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क क्षेत्र पर हमले के दौरान उसके हवाई क्षेत्र के उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। मिंस्क ने सबसे पहले 10 अगस्त को यूक्रेन की सीमा की ओर सैनिकों की आवाजाही को आत्मरक्षा का कार्य बताया है।
रक्षा मंत्री विक्टर क्रेनिन ने कहा कि अगर यूक्रेनी सैनिक उसके क्षेत्र में घुसते हैं तो बेलारूस जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन यूक्रेन ने बेलारूस के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसने लुकाशेंको के इस दावे का खंडन किया है कि कीव ने सीमा पर 120,000 सैनिक भेजे थे। रविवार को यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने बेलारूस के लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही करने जा रहा है। 1991 में सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता के बाद से बेलारूस ने रूस के साथ घनिष्ठ राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं। लुकाशेंको को पुतिन के एक दृढ़ सहयोगी हैं और उनका देश यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान रूस के साथ खड़ा रहा है। मार्च 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण आरंभ करने के तुरंत बाद बेलारूस ने मॉस्को के समर्थन में कीव में अपना दूतावास भी खाली कर दिया था। बेलारूस ने रूस को अपने क्षेत्र में अपने सैनिकों को तैनात करने की भी अनुमति दी है, जो मॉस्को को उत्तर से यूक्रेन पर हमला करने के लिए अपने सहयोगी की भूमि का उपयोग लॉन्च पैड के रूप में करने की अनुमति देता है। यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के युद्ध के लिए समर्थन करने पर बेलारूस पर वित्तीय प्रतिबंध, निर्यात नियंत्रण, हवाई क्षेत्र प्रतिबंध और अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध जैसे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। फिर भी अब तक बेलारूस ने वास्तव में यूक्रेन के साथ सैन्य संघर्ष में सम्मिलित होने से परहेज किया है, लेकिन हाल के दिनों में बेलारूसी सीमा पर मौजूद सैन्य तैनाती उसकी नीतियों में बदलाव की आशंका को बढ़ा रहा है। विदेशी मामलों के जानकारों का मानना है कि रूस के कहने पर ही बेलारूस ने अपने सैनिकों को तैनात किया है और वह यूक्रेन को युद्ध के दूसरे मोर्चे पर उलझाकर उस पर आसानी से जीत हासिल कर सकता है, क्योंकि बेलारूस से उलझने के दौरान उसका ध्यान रूस से भटक जाएगा और इसी का लाभ उठाते हुए रूस यूक्रेन पर हमले तेज कर देगा और 2 वर्ष से चल रहे इस युद्ध में वो विजय प्राप्त कर लेगा। लेकिन अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बेलारूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह आत्मरक्षा के लिए स्वतंत्र है। यदि बेलारूस राज्य सीमा का उल्लंघन करता है तो यूक्रेन अपनी सुरक्षा के लिए विवश होगा। दूसरी ओर बेलारूस ने रूसी कुर्स्क क्षेत्र में हमले के दौरान उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री विक्टर क्रेनिन ने कहा कि यूक्रेनी सैनिक यदि उसके क्षेत्र में घुसते हैं तो वह जवाबी हमले के लिए तैयार है। इससे पहले बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि उन्होंने इस गर्मी में देश की एक तिहाई सेना को सीमा पर भेजा था। उन्होंने दावा किया है कि सीमा पर सैनिकों की तैनाती बेलारूस और यूक्रेन के बीच गलतफहमी का ही परिणाम है। इस सप्ताह के आरंभ में बेलारूसी वायु रक्षा बलों के कमांडर मेजर जनरल एंड्री लुक्यानोविच ने भी कहा कि देश ने यूक्रेन के साथ अपनी सीमा पर अतिरिक्त वायु रक्षा सैनिकों और विमानों को तैनात किया है, लेकिन ये इसके पीछे जो उसका आशय है वो आत्म रक्षा के लिए है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अब जो है युद्ध के नए नए मोर्चे धीरे धीरे खुलते चले आ रहे हैं। जिस तरह की बेलारूस अभी तक इस युद्ध में कहीं भी खड़ा नहीं था, अब बेलारूस भी अपने हमले जो है यूक्रेन के विरुद्ध आरंभ कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इसकी जो प्रतिक्रिया होगी नाटो देशों और अमेरिका की तरफ से वो बहुत भयंकर हो सकती है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो संकट है कि अगर परमाणु संयंत्र, जो कि रूसी परमाणु संयंत्र है, और अगर वहाँ पर यूक्रेन के सैनिक वहाँ पर घुस चुके हैं तो युद्ध में क्या कब कौन सी घटना घट जाए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो देखते रहिए अखंड मंथन, और आज का ये जो हमारा अंक था आगे क्या होने वाला है, इसमें हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से अब युद्ध की जो परिस्थितियाँ हैं वो किसी बड़ी अनहोनी की ओर बढ़ती चली जा रही हैं। भविष्यवाणियां तो हमने आपको दिखा दी हैं, लेकिन अब जब भविष्यवाणियों के सत्य होने का समय निकट आ रहा है तो आपको ये भी बताना आवश्यक होगा कि किस प्रकार से जो भविष्यवाणियां की गई हैं वह अब उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य दिखाई दे रहा है उससे तो यही आशंका बलवती हो रही है कि संसार अब युद्ध के नए नए मोर्चे पर एक तरह से अपनी भिड़ंत करने जा रहा है और संसार के देशों को भी चाहे अनचाहे इसमें सम्मिलित होना पड़ेगा। तो बने रहे हमारे साथ, देखिए हमारा दूसरा एपिसोड वो भी आगे क्या होने वाला है का अगला अंक होगा, जो कि हम प्रसारित करेंगे 6:30 से 7 के बीच में। तो बने रहिएगा, देखते रहिए अखंड मंथन। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।